हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवॉल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिकेशन का लेक्चर 14, जिसमें हमने डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इन बाय पार्ट्स। क्लियर? जो बाय पार्ट्स हमने मेथड मेथड पढ़ा था ना, दो फंक्शन दिए हों तो उनका इंडिकेशन कैसे करेंगे, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें कई जगह देखने को मिलते हैं। तो उसको हमें डिस्कस करना है, क्यों ना डिस्कस इसी लेक्चर में कर लिया जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात आपको बोलूं तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहूंगा कि अगर फंक्शन में केवल ओनली इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, ओके, तब प्रेफरेंस आप केवल किसको देंगे? इनवर्स फंक्शन को देंगे। लेकिन अगर फंक्शन में इनवर्स फंक्शन के साथ साथ आपका रूट फंक्शन भी है, तब प्रेफरेंस आप किसको देंगे? रूट फंक्शन को देंगे। ये बात नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल दिमाग में फिट बैठा लेना। अगर फंक्शन में केवल इनवर्स है तो रिमूव, देखो रिमूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन में एक नियम हमने या रूल किसका डिस्कस किया है? रिमूव करने का। क्लियर? रिमूव किसको करना है? अगर केवल इनवर्स है तब हम रिमूव किसको करेंगे? इनवर्स फंक्शन को रिमूव करेंगे। लेकिन अगर इनवर्स के साथ साथ रूट फंक्शन भी है तो सबसे पहले हम किसको रिमूव करेंगे? रूट को करेंगे। और रूट रिमूव हो जाएगा तो इनवर्स तो ऑटोमेटिक रिमूव हो ही जाएगा। क्लियर? ये नियम समझ में आया? तो अब आइए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पर आपको दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आनी चाहिए। क्लियर? कि अगर हमारा साइन इनवर्स बाहर है और अंदर साइन थीटा है, तो साइन से साइन कैंसिल होके थीटा मिलता है। अगर यहाँ पर टेन होता तो टेन से टेन कैंसिल होके थीटा मिलता। लेकिन अगर कॉट होता तो सेम सेम कॉस है, कोई भी है, अगर इनवर्स बाहर है और उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर है तो रिमूव हो जाएगा, सिंपल हमें थीटा मिलेगा। ओके क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। क्लियर? तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके से है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतने बड़े को तो भाई हम वैसे तो करेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन तो कराना पड़ेगा। तो केवल अब बताइए क्या है? केवल इनवर्स फंक्शन है तो प्रेफरेंस इनवर्स को देंगे। इनवर्स हटाना है तो ऐसा कौन सा वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं एक्स का कि इनवर्स ऑटोमेटिक हटे आए? हाँ, मैं पता है आप सभी के दिमाग में एक ही वैल्यू चल रहा होगा, वो है टेन थीटा। रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना साइन टू थीटा का टेन वाला फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। इसको रखेंगे तो काम बन जाएगा। तो यहाँ से dx निकालते हैं, sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो I इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? साइन इनवर्स इसका, देखिए इसको टेन थीटा रखेंगे ये फॉर्मूला बनेगा, इसको साइन टू थीटा रख देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे बनने वाला है साइन टू थीटा, और dx को क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहाँ से साइन कैंसिल, तो टू थीटा बचा, टू आपका बाहर होगा, तो अब फंक्शन आपका क्या बचा? थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहाँ पर क्या हमारा लगेगा भाई लोग बताइए क्या लगेगा? यहाँ पर हमारा सिंपल लगेगा खंड सा, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बाय पार्ट्स। क्लियर? बाय पार्ट्स लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो लगा देते हैं टू, फर्स्ट फंक्शन इसी को मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। फर्स्ट टर्म या एज इट इज आपका सेकंड का इंटीग्रेशन, तो टेन थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा का, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 होगा, इसका इंटीग्रेशन टेन थीटा होगा और डी थीटा होगा। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर थीटा और यहाँ पर टेन थीटा माइनस टेन थीटा का भाई लोग बताइए, टेन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के लॉग कॉस थीटा, ठीक है ना? तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर लॉग कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो प्लस में सी आएगा। लेकिन भाई लोग थीटा में तो था नहीं, थीटा तो हमने बनाया था ना, तो टेन थीटा का वैल्यू एक्स दिया है, यहाँ पे हमें कॉस थीटा का वैल्यू भी चाहिए पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से थीटा तो आपका आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, लेकिन अगर कॉस थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा दिया है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन। ठीक है, तो यहाँ से के निकालूँ, ए आपका एल, ठीक है ना? आप सभी ने पढ़ा होगा, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। हाइपोटेनियस की बात करूँ तो क्या होगा? अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर
तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं कॉस थीटा का तो वो क्या होगा, वेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर आपके सामने है, बताइए। टू थीटा का वैल्यू क्या दिया है, टेन इनवर्स एक्स, और थीटा का वैल्यू एक्स दिया है प्लस लॉग, कॉस थीटा का वैल्यू आपके सामने दिया है वन अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ए हमारा और ब्रैकेट वन प्लस सी, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर सारे बच्चों को, चमका कि नहीं चमका, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। ओके, तो अब हमें ऐसे बड़े टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्लीन करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन को भी समझते हैं। इंटीग्रेशन टेन इनवर्स अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के वन अपॉन में एक्स। अब बताइए भाई, इनवर्स फंक्शन के साथ यहां पर क्या है, रूट फंक्शन भी है। तब पहला रिमूव हम किसको करने का कोशिश करेंगे, रूट को। तो रूट को रिमूव करने के लिए एक्स का वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, टेन थीटा रखना पड़ेगा, रूट हटे आएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। रख दीजिए तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। रखिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, टेन इनवर्स यहाँ पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर निकलेगा क्या होगा, sec थीटा, sec थीटा माइनस वन अपॉन में आपका क्या है, टेन थीटा। ओके, और डी एक्स की जगह क्या रखना है आपको, sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। लेकिन अभी बोलेंगे कि हटा तो है नहीं यही टेन इनवर्स, तो हटेगा ना, सब थोड़ा पेशेंस रखो। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं अलग से सॉल्व करा के बताता हूँ, sec थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। तो इसको लिखेंगे वन अपॉन cos थीटा माइनस वन, और इसको लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो LCM लेंगे तो यहाँ से मिलेगा वन माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cos थीटा LCM लेने पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचा आपका sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ओके क्लियर, तो I इज इक्वल टू टेन इनवर्स। ओके, तो बताइए भाई लोग, इसका फॉर्मूला क्या हमें आता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्या हमें इसका भी फॉर्मूला आता है, टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। तो भाई लोग क्या कर रहे हो, आपको सभी तो आता है, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, टू से टू कैंसिल, एक साइन से एक कैंसिल, तो टेन थीटा बाई टू बचा कि नहीं बचा, क्लियर। तो बस नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आने वाला है इनवर्स, और क्या है, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो 10 से 10 कैंसिल, 1 बाई टू आपका बाहर, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इसी के आगे मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कि आपको खुद करना है, क्लियर। अभी किया था इसके बिफोर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाई पार्ट लगेगा, क्लियर ना, अभी लगाया था। अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है तो पिछले क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, आपको क्लियर चमक जाएगा। ओके ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, अच्छा सा लग रहा है। हाँ, तो क्या है, इनवर्स टेन इनवर्स अंडर रूट में वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और डी एक्स। क्या रखें भाई, सब्स्टिट्यूट क्या करें। अगर आपने क्रम से लेक्चर्स को देखा है, सीरीज में देखा है, तो आपको पता होगा क्या रखना है। तो मैंने बताया था इस टाइप के रूट को प्रेफरेंस देना है, और इस टाइप का इक्वेशन को हटाने के लिए x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा रखते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो dx इज इक्वल टू आपका होगा माइनस के साइन टू थीटा इंटू टू और डी थीटा। सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका ऑटोमेटिक, मैं अलग से सब्स्टिट्यूट करके बता देता हूँ, वन माइनस के कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस के कॉस टू थीटा। आप जब सब्स्टिट्यूट कराएंगे, ए आपका फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा का, ए टू कॉस स्क्वायर थीटा का, टू से टू कैंसिल होगा, टेन स्क्वायर थीटा आएगा बाहर निकलेगा, तो टेन थीटा, क्लियर। यही आने वाला है, तो इसको मैंने अलग से सॉल्व करके बता दिया है। तो बताइए, टेन इनवर्स आएगा, ओके टेन इनवर्स, इसको इसका कैलकुलेशन रखेंगे तो टेन थीटा मिलने वाला है। ओके देखो, रूट को प्रेफरेंस दिया, ऑटोमेटिक इनवर्स हट गया ना, क्लियर है ना। अब डी एक्स का वैल्यू रखेंगे तो आपका बताइए, माइनस के टू कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर सकता हूँ, और यहाँ पे मिलेगा साइन टू थीटा और डी थीटा। टेन से टेन आप कैंसिल करेंगे, माइनस के टू आएगा, और यहाँ पे थीटा इंटू साइन टू थीटा बचा और डी थीटा।
अब तो सिंपल हमारा क्या लगना है, बाय पार्ट लगना है, लगाइए फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो माइनस टू को आप बाहर रहने दें, फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के कॉस टू थीटा अपॉन टू, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स होता है, लेकिन थीटा में टू से मल्टीप्लाई इसलिए डिवाइड होगा, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव बंद होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो अगेन वो ही आएगा, माइनस आएगा इसलिए प्लस हो जाएगा। ओके ठीक है, तो लिखते हैं फाइनल आंसर हमारा इज इक्वल टू माइनस के टू, माइनस के थीटा बाई टू और कॉस टू थीटा यहाँ पर लिखा है देखिए, प्लस वन बाई टू आपका बाहर आएगा, और कॉस टू थीटा का अगेन करेंगे तो कॉस का साइन होता है तो साइन टू थीटा, लेकिन टू से मल्टीप्लाई इसलिए डिवाइड भी कराना पड़ेगा प्लस के सी, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन करा दें, माइनस टू का करा दें, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, थीटा कॉस टू थीटा, टू से टू कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस एक टू से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे मिलेगा साइन टू थीटा अपॉन टू और प्लस में सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं सारे बच्चे, लेकिन 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 याद रहे थीटा का वैल्यू जरूर रखना है। तो अगर थीटा का वैल्यू निकालूं यहां से तो कॉस इनवर्स एक्स वन बाई टू, तो थीटा आ गया, कॉस टू थीटा दिया है, साइन टू थीटा आप इजीली निकाल सकते हैं, साइन टू थीटा क्या होगा हमारा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में वन माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा, तो अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर, सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, थीटा का वैल्यू पहले कॉस टू थीटा का एक्स, थीटा का वैल्यू ए दिया है वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, और साइन टू थीटा का वैल्यू अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के सी, ये हमारा फाइनल आंसर रहा। तो इसको नोट डाउन कर दीजिए सारे बच्चे, जिनको भी करना है, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके ठीक है, कर लीजिए फटाफट नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी, बहुत अगर बोलूं चिंटू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन वन माइनस 3x स्क्वायर, अरे भाई लोग केवल इनवर्स है, tan है तो अंदर भी tan का फॉर्मूला बनेगा, क्या रखना पड़ेगा बताइए, क्या दिख रहा है, x का सब्स्टिट्यूशन करना है, अरे बहुत ईजी है बताइए, x इज इक्वल टू tan थीटा रखेंगे ना, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, x के प्लेस पे आप tan थीटा रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्या ये हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो बस यहां से dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, i इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा tan 3 थीटा का, और dx के प्लेस पे sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, तो tan से tan कैंसिल, 3 आपका बाहर, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, अगेन इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे आपको खुद सॉल्व कराना है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज कैसे करना है बाय पार्ट्स में। क्लियर, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज पहले लेक्चर में डिस्कस की है, ठीक है, अभी लेक्चर जो इसी लेक्चर में जो फर्स्ट डिस्कस किया था वो मैंने यही किया था कि अगर रू केवल इनवर्स है तो इनवर्स को प्रेफरेंस देगा रिमूव करने में, और अगर आपका रूट है तो ऐसा एक्स का सब्स्टिट्यूशन करना कि रूट हटे। क्लियर, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक नहीं करना लाइक जरूर कर देना, क्लियर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से ऐसा रख रहे हैं, मास्क पहने और देखते रहें केजे रेवोल्यूशन, केजे रेवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।